हेलो एवरीवन, मैं हूँ मेघा। आज हम आपको क्लियर करेंगे डॉक्टर आपको फीटल इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान क्यों सजेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि ये जो टेस्ट होता है वो आपका जैसे नॉर्मली अल्ट्रासाउंड या फिर सोनोग्राफी होता है, ठीक उसी की तरीके से आपके पेट पर ये किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा आपके बेबी का जो हार्ट होता है उसके बारे में डिटेल में जानकारी ली जाती है। और जो ये टेस्ट होता है वो प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला को करवाने की इसकी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि नॉर्मली तौर पर जो आपका अल्ट्रासाउंड होता है उसी के थ्रू बेबी के दिल के चारों हिस्सों को देखा जाता है। लेकिन ज्यादातर कभी कभी ऐसे मामले सामने आते हैं कि जिनमें जो आपके नॉर्मली टेस्ट होते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड होते हैं तो उनके थ्रू डॉक्टर को कुछ ना कुछ डाउट होता है, यानी सब कुछ नॉर्मल नहीं दिखता है। आपका भ्रूण है उसके अंदर कोई भी हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है या फिर आपके बेबी की हृदय की जो संरचना होती है वो सामान्य नहीं दिखती है। तो डॉक्टर इस कंडीशन को बिल्कुल क्लियर करने के लिए आपको फीटल इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं। और ये जो टेस्ट होता है वो आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान 16 वीक्स से लेकर के 20 वीक्स के बीच में या फिर 18 वीक्स से लेकर के 24 वीक्स के बीच में किया जाता है, क्योंकि इस दौरान जो आपका बेबी होता है उसका हृदय इतना विकसित हो जाता है इस टेस्ट के द्वारा आसानी से उसके हृदय को देखा जा सके। ये टेस्ट जो होता है उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जिसमें सबसे पहले माँ के अंदर कुछ कारण पाए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला कारण होता है अगर माँ ने पहली प्रेगनेंसी के दौरान किसी ऐसे बच्चे को जन्म दिया है जो हृदय रोग से पीड़ित था तो पूरे चांस हो जाते हैं आपकी दूसरी प्रेगनेंसी में भी हृदय संबंधी कोई भी बीमारी होने की। और दूसरा रीजन होता है कि गर्भावस्था के दौरान आप बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी दवा का सेवन करती हैं, क्योंकि कुछ दवाएं ऐसी होती हैं जो आपके बच्चे पर सीधा इफेक्ट डालती हैं जन्मजात विकृति पैदा करने में। और इसके अलावा अगर आपको रूबेला एंड टाइप 1 डायबिटीज एंड ल्यूपस एंड फिनाइल कीटोन्यूरिया नामक बीमारी है तो ऐसे में भी पूरे चांस हो जाते हैं। एंड इसके अलावा अगर माँ को ही बचपन में कोई भी हृदय संबंधी बीमारी रही हो जो बाद में सही हो गई हो तो ऐसे में भी पूरे चांस हो जाते हैं बच्चे के अंदर हृदय संबंधी विकार उत्पन्न होने के। अगर माँ प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग्स या फिर किसी भी अल्कोहल का प्रयोग करती है तो इससे भी पूरे चांस हो जाते हैं बच्चे के अंदर विकार उत्पन्न होने के। एंड इसके अलावा अगर बच्चे के माता पिता, भाई बहन या फिर नजदीकी रिश्तेदारों में किसी को भी हृदय रोग रहा हो, अगर आपकी प्रेगनेंसी IVF या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा रोकी गई हो तो ऐसे में भी जन्मजात विकृतियां पैदा होने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी की अपेक्षा। अगर आपकी ट्विन्स प्रेगनेंसी है वो भी मोनोकोरियोनिक का मतलब होता है एक ही थैली के अंदर एंड एक ही प्लासेंटा के थ्रू दोनों बच्चों का होना, तो ऐसे में भी डॉक्टर आपको बिल्कुल सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा बच्चे की जो फेटल हार्ट रेट यानी FHR होती है वो 120 से कम या फिर 180 से अधिक रहती है। ये सारे रीजन अगर आप में देखे जाते हैं तो आपको डॉक्टर बिल्कुल सजेस्ट करते हैं फीटल इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट कराने के लिए। अब हम आपको इसके फायदे बताते हैं। इसके द्वारा गर्भस्थ शिशु की जो हार्ट होता है उसकी डिटेल में जाँच की जाती है एंड इसके द्वारा जो बेबी के हार्ट का जो स्ट्रक्चर होता है एंड उसके बारे में भी डॉक्टर डिटेल में स्टडी करते हैं। एंड इसके अलावा हार्ट के काम करने की क्षमता एंड उसका तरीका कैसा है इसके बारे में भी डीपली अध्ययन किया जाता है। एंड इसके अलावा बेबी के हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो के तरीके को भी देखा जाता है एंड इसके अलावा बेबी का दिल किस तरह से धड़क रहा है वो भी क्लियर किया जाता है। एंड इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि बेबी के दिल के अंदर जो वॉल्व होते हैं वो ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। इन सभी चीजों की जांच जो होती है वो बहुत ही डीपली तरीके से की जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि इस टेस्ट को करवाने में 30 मिनट से लेकर के लगभग 2 घंटे तक का टाइम लग सकता है। और अगर बेबी किसी ऐसी पोजीशन में है गर्भावस्था के दौरान जिसमें बेबी के जो दिल की तस्वीरें हैं वो क्लियर नहीं हो पा रही है तो ऐसे में और भी ज्यादा टाइम लग सकता है। एंड इस टेस्ट के द्वारा माँ और बच्चे को दोनों को किसी भी प्रकार की कोई भी हानि नहीं होती है। ये टेस्ट माँ और बच्चे दोनों के लिए बिल्कुल सुरक्षित होता है। और इसके द्वारा डॉक्टर को गर्भ में ही बच्चे के हृदय में अगर कोई प्रॉब्लम होती या कोई रोग होता है तो वो तुरंत ही क्लियर हो जाता है। और डॉक्टर आपको पहले से ही पूरा क्लियर एंड कन्फर्म बता देते हैं ताकि आप बच्चे के जन्म के बाद
पहले से ही उसके इलाज के लिए प्रॉपर मेंटली फिजिकली एंड आर्थिक तरीके से बिल्कुल तैयार रहे। अगर बच्चे के अंदर कोई भी हृदय रोग निकलता है तो आपको ऐसी स्थिति में किसी ऐसी जगह पे अपनी डिलीवरी करवानी चाहिए जहां पे आपकी डिलीवरी की पूरी सुविधा हो एंड बच्चे के लिए अगर इमरजेंसी में कोई भी सर्जरी वगैरह की जरूरत पड़ती है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर अवेलेबल हो एंड एक्सपीरियंस डॉक्टर हो। एंड इसके अलावा वहाँ पर पेडियाट्रिक एंड कार्डियक सर्जन भी अवेलेबल हो ताकि इमरजेंसी में अगर बच्चे को किसी भी प्रकार की जरूरत पड़ती है तो तुरंत ही बच्चे का सही समय पे सही इलाज किया जा सके। और लास्ट में मैं आपसे एक बार जरूर बोलूंगी, अगर आपको डॉक्टर ये टेस्ट प्रेगनेंसी के दौरान सजेस्ट करते हैं तो आपको इसको करवाने में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जल्द से जल्द आप इसको करवाएं ताकि आप सही समय पे सही डिसीजन ले सकें। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।